हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सिस्टीन ट्रीटमेंट क्या है। बहुत नई ट्रीटमेंट है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी है। और अभी क्लाइंट भी हमको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि वी वांट टू गो फॉर सिस्टीन, वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग, वो पोकर लुक जो सदियों से चला आ रहा है। So now people are aware, majority of the people are aware about this cysteine treatment. So what is it all about? So cysteine एक protein है, हमारे जो बाल है वो already protein से बने हुए हैं, उनको support करने के लिए ये treatment है। ये treatment आपके बालों को straightening जैसा या rebonding जैसा poker straight look, like you know a straight fall नहीं देगा। इट विल जस्ट गिव यू अ नाइस क्लीन ब्लो ड्राइड इफेक्ट, जिसमें जो छोटे बाल ऊपर की तरफ निकल आते हैं या थोड़ा स्टैटिक दिखता है बालों में, दैट विल बी रिड्यूस्ड। बट प्लीज अंडरस्टैंड, सिस्टीन ट्रीटमेंट इज नॉट अ स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग ट्रीटमेंट। ऑलराइट, फिर कौन कर सकता है, ये किसके बालों के लिए सूटेबल है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ मैसिव हेयर लॉस, आप किसी डिसीज या डिसऑर्डर से जस्ट बाहर आ गए हैं, लाइक केमोथेरेपी है या टाइफॉइड है या कोई भी ऐसे लंबा क्रॉनिक डिसीज, और आपको बहुत सारा हेयर लॉस है, तो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ना करें। राइट, सो व्हेन यू एंड योर हेल्थ इज इन द बेस्ट कंडीशन, जब आप खुद और आपके बाल भी एक अच्छे हेल्दी कंडीशन में है, तब आप जाके कोई भी केमिकल सर्विस कीजिए। ऑलराइट, नाउ सिस्टीन ट्रीटमेंट, जैसे कहा जाता है इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, कुछ भी हो, आपका एक शैम्पू बॉटल भी है, उसमें भी कई प्रकार के केमिकल्स रहते ही है। इट इज़ नॉट 100% नेचुरल प्रोडक्ट। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 100% नेचुरल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विथ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, अ प्रोडक्ट विथ ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स। तो इसमें बहुत फ़र्क है। ऑलराइट, उसमें अगर हमको एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करना है, तो सिस्टीन ट्रीटमेंट बाय अमेजोन सीरीज, जो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है, जी हाँ, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है, हमको वही यूज़ करना है। ठीक है, बहुत कम सलॉन्स है जो ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक ओरिजिनल एक डीलर से ख़रीदा हुआ यूज़ करते हैं, नहीं तो काफ़ी सारे सलोन ओनर्स ऑनलाइन भी प्रोडक्ट लेते हैं जो डुप्लीकेट होने की आशंका है। आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी डुप्लीकेट, बट इट इज़ डुप्लीकेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप किसी सलोन ओनर को जानते हैं या आपकी कोई दोस्त है जो एक अच्छा ऑनेस्ट काम करती है सलोन में, टॉक टू हर, आस्क हर कि वॉट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। यू नो दिस सिस्टीन का वन बॉटल विच एक्चुअली वर्क्स ऑन द हेयर, इट कॉस्ट बिटवीन 23,000 to 24,000 फॉर 900 ml। जी हाँ, तो ये एक बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, सिस्टीन बाय अमेजोन सीरीज। ओके, उसके साथ उसके जो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है वो भी सस्ते नहीं है। मेरे हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि चीप एंड बेस्ट विल नेवर एग्जिस्ट, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बेस्ट एंड क्वालिटी रिजल्ट फ्रॉम अ चीप प्रोडक्ट, मेकअप में भी नहीं, हेयर कलर में भी नहीं, या स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग में भी नहीं, या सिस्टीन में भी नहीं। तो अगर आपको आपके बालों की देखभाल एक अच्छे हेल्दी तरीके से लेनी है, तो ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट फ्रॉम योर शैम्पूज, राइट फ्रॉम व्हाट केमिकल ट्रीटमेंट्स यू डू फॉर योर हेयर। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा कि अगर आपके बाल अच्छे हेल्दी कंडीशन में हैं, तो आप सिस्टीन ज़रूर कीजिए। लेकिन आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपको कोई स्काल्प डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो कोई भी केमिकल सर्विस ना करें। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली कलर किया है, विच इज़ towards a lighter tone, like blonde है या light brown है या copper shade है, तो आपकी cysteine service will wash out that color up to certain extent. पूरा color wash नहीं होगा, but there would be a color retard या
कलर लॉस ऑफ 20-30%। सो डिस्कस विथ योर हेयर ड्रेसर दैट यू हैव रिसेंटली कलर्ड द हेयर और यू वॉन्ट टू कलर द हेयर, ऑलराइट? बिकॉज कलर करके अगर आप सिस्टीन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो थोड़ा कलर वॉश आउट होने के चांसेस है, ठीक है? फिर आपने सिस्टीन किया और अगर आपको उसके बाद बहुत लाइटर टोन पे कलर्स करने हैं, लाइक यू आर ऑफ माय हेयर कलर विच इज डार्क ब्राउन एंड आपको जाना है वेरी लाइट ब्लॉन्ड या कॉपर कलर, इन दैट केस ब्लीच कैनॉट बी यूज्ड ऑन योर हेयर। जी हाँ, काफ़ी सारे हेयर ड्रेसर्स ब्लीच करके ही हाईलाइटिंग करेंगे, लेकिन सिस्टीन अगर आपके बालों में है, सिस्टीन ट्रीटमेंट, तो अगर उसके ऊपर आप लोग ब्लीच लगाते हैं या योर हेयर ड्रेसर अप्लाइज ब्लीच, देन वो सिस्टीन निकल आएगा एंड इट विल स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ द हेयर। ऑलराइट, नाउ एज वी हैव सीन द एरा के एक जनरेशन ऐसा था कि सब लोग स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करते थे। अभी किसी को वो पोकर स्ट्रेट और अननेचुरल लुक नहीं चाहिए, दैट्स वाई पीपल आर गोइंग फॉर सिस्टीन ट्रीटमेंट। ओके, तो ये सिस्टीन अमेजोन का ही क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि ये फॉर्मल डिहाइड फ्री है। वॉट इज फॉर्मल डिहाइड? प्लीज गो एंड गूगल फॉर इट। फॉर्मल डिहाइड एक बहुत ही पॉइजनस केमिकल है विच कैन बी कैंसरस टू योर बॉडी। जी हाँ, और दैट्स वाई सो मेनी गुड सलॉन्स इंसिस्ट ऑन अ फॉर्मल डिहाइडेड फ्री प्रोडक्ट। और आपको भी एज अ क्लाइंट सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि मेरी ब्यूटिशियन, मेरी हेयर ड्रेसर मेरे बालों पे, मेरे स्किन पे कभी भी क्या प्रोडक्ट लगा रही है। ऑलराइट, देन व्हेन इट कम्स टू आफ्टर केयर, सिस्टीन इज वेरी इजी टू बी टेकन केयर। सिस्टीन को आपको बाल फोल्ड नहीं करने हैं या बाल बांधने नहीं हैं या स्विमिंग नहीं जाना है या गीले नहीं करने, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। As we always have it in straightening or rebonding, all right? So सिस्टीन का क्लाइंट या आपने अगर सिस्टीन किया तो आप एक पोनीटेल बांध के भी सलोन के बाहर निकल सकते हैं, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। बट योर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग सिस्टीन शुड बी यू जस्ट वॉन्ट अ स्मूथ ब्लो ड्राइड लुक एंड नॉट अ पोकर स्ट्रेट रिबॉन्डेड और केमिकली स्ट्रेटन्ड हेयर लुक। तो अगर आपका एनालिसिस जब आपकी हेयर ड्रेसर करती है और आपका एनालिसिस कंफर्म लाइक श्योर है दैट योर हेयर ड्रेसर नोज यू डोंट वांट दैट स्ट्रेटर लुक एंड यू आर आल्सो श्योर दैट यू डोंट वांट रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग दैट थ्रू आउट द लाइफ आपका यू नो हाफ ग्रोन हेयर विथ हाफ यू नो लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू मी इन दिस वीडियो। सो सिस्टीन क्या करेगा? सिस्टीन धीरे धीरे बालों से निकल आएगा फ्रॉम द ओवरऑल हेयर। It won't come down in patches which used to happen and which still happens in the rebonding and straightening scenario. So I think just understand the process behind what is rebonding, what is cysteine, and understand the effects and then choose upon. So just be an alert customer. So this video was just to help you with few tips on cysteine. My name is Kalyani Umrani from Impression Hair and Beauty Clinic Pune. In case you want to know more about such treatments, you want to take appointments for hair consultation or for knowing more about such treatment, do call us on 9607002211. Thank you and see you in the next video.